तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली देखूंगा कि जब कुछ भी रीजन से ईएसटी फायरिंग और ईएसटी कैप फायरिंग होता है और उसका बाद लॉन्ग टाइम मतलब कुछ दिन इसी तरीका से मतलब फायरिंग हो रहा है और टीवी चल रहा है तो उसका बाद टीवी का अलग कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी तरह यह प्रॉब्लम है। तो पार्टी ने टीवी को मेरे पास लेके आया और बात है कि टीवी अभी नहीं चालू नहीं हो रहा है और कुछ दिन पहले ही टीवी का अंदर से फायरिंग मिला। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली करके देखूंगा कि ईएसटी कैप फायरिंग है कि ईएसटी फायरिंग है। फर्स्ट आपको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। ईएसटी कैप फायरिंग होगा तो आपको कैप को चेंज करना पड़ेगा और ईएसटी का कैप का पोजीशन जो होता है आपको थोड़ा सा पेट्रोल और थिनर लेके भी आपको साफ सफ करना पड़ेगा। हो सकता है आप भेसलिन लेके भी साफ कर सकते हो, ठीक है, जो पेस्ट मिलता है पेस्ट लेके भी आप साफ कर सकते हो। मैं भेसलिन पेस्ट इस तरह यूज़ करता हूँ। साफ करने के बाद ईएसटी कैप पोजीशन को पूरा क्लीन कराना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो करने के बाद देखा जाता है कि टीवी चालू हो गया, हो सकता है अलग कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन रीजन हो सकता है ईएसटी कैप फायरिंग होने के बाद कौन कौन पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है जो अधिकतर होता है, ठीक है, मेरे न्यू टेक्नीशियन को मैं बताना चाहता हूँ। ये वीडियो के अंदर सब कुछ आपको बताऊँगा, आप ये वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए। चलिए मैं टीवी ओपन करके देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ ये टीवी का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल टीवी रिपेयर करके देखूँगा कि ये सैमसंग कंपनी का टीवी है, ठीक है, ये 15 इंची सैमसंग कंपनी का टीवी है। इसका ओरिजिनल चेसिस देख सकते हो, ये ओरिजिनल इसका चेसिस है। तो पार्टी मेरा पास ये जो लेके आया बताया कि टीवी बंद हो गया। तो दोस्तों टीवी को मैं बैक कवर ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कैप है, ठीक है, ये कैप पोजीशन आप अच्छा करके देखिए, ये जला हुआ है, मतलब बहुत दिन से फायरिंग ये हो रहा था और इसी का बजाय आप देख सकते हो ये कितना जला हुआ ये जो कैप पोजीशन। तो जब इस तरह फायरिंग हो जाता है तो फायरिंग होने के बाद ये कैप चेंज करने के बाद थोड़ा सा पिक्चर टिप वॉश करने के बाद ये ओके हो जाता है। पर दोस्तों ये फायरिंग के बजाय ये से डेट हो गया, ठीक है। तो ये फायरिंग के बजाय जब से डेट हो जाता है तो क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकता है, आज आपको ये वीडियो के अंदर यही देखाऊंगा, ठीक है। और फाइनली ये कैप चेंज करने के बाद इसका अंदर जो प्रॉब्लम हो गया है वो आपको रिपेयर करके देखूँगा, ठीक है। तो चलिए ये कैप को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद ये कैप को आपको चेंज करके देखूँगा, चेंज करने के बाद क्या प्रॉब्लम है ये पीसीबी के अंदर आपको देखूँगा। मैं टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, फर्स्ट ये कैप को मैं चेंज कर देता हूँ। फाइनली दोस्तों ये जला हुआ कैप को मैं चेंज किया, ठीक है, ये जो जला हुआ पुराना वाला कैप है इसको चेंज किया और यहाँ पर मैं न्यू कैप लगाया। और उसका बाद ये टीवी क्यों नहीं ऑन हो रहा है, तो जब कुछ भी रीजन से ईएसटी ये कैप पोजीशन जला हुआ नजर में आएगा तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि ईएसटी सेक्शन का पास ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को जरूर एक बार चेक करके देखिए, क्योंकि अधिकतर ये ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट हो जाता है। बट दोस्तों मैं चेक किया कि ये ट्रांजिस्टर अभी ओके है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। और उसका बाद मैं अच्छा करके चेक करके देखा कि ये बंद क्यों हो गया। तो फाइनली नज़र में जो आ रहा है कि ये पोजीशन पर एक जम्परिंग था जो फ्यूज़ है, ठीक है, ये थोड़ा जला हुआ था, जला हुआ नज़र में आ रहा है। तो यहाँ पर ये फ्यूज़ ओपन हो गया। तो आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये पोजीशन फ्यूज नहीं है। तो चलिए मैं एक बार ट्राई करूँगा कि इस तरह एक वायर ले लिया, ठीक है, ये जो वायर देखिए, ये वायर इस तरह वायर लेने का बाद इसका दो वायर लेके, ठीक है, ये जो दो वायर लेके मैं जम्पर करूँगा, सॉरी फ्यूज मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो दो वायर ये लगभग 5 एम्पेयर के आसपास हो जाएगा, बट टीवी का अंदर दोस्तों 3 एम्पेयर का आसपास फ्यूज यूज़ होता है। तो चलिए मैं ये लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ और ऑन करके ट्राई करूँगा कि ऑन होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फ्यूज़ लगाया, ठीक है, ये दो वायर लेके मैं एक फ्यूज़ बनाया और यहाँ पर मैं फ्यूज़ लगाया। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूज़ जब ओपन हो जाता है तो इसी के साथ आपको एक बार ज़रूर चेक करना पड़ेगा
यहाँ पर एक पीटीसी है, पीटीसी खराब होने का रीजन से भी ये फ्यूज ओपन हो जाता है। इसके अंदर चारों डायोड है, ये ओपन होने के बाद फ्यूज ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है, ये जो पावर ट्रांजिस्टर और एसटीआर होगा तो एसटीआर शॉर्ट होने का रीजन से भी ये फ्यूज़ ओपन हो जाता है। और दोस्तों मैं ये एक एक मीटर से चेक किया, नॉर्मल तरीका से चेक किया, चेक करने के बाद कुछ भी शॉर्टिंग पता नहीं चल रहा है। तो आपको पीसीबी उल्टा करके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये फ्यूज़ पहले से ही ओपन है, नीचे से जम्पर करके फ्यूज़ बनाया हुआ था। और दोस्तों देखिए ये पीटीसी भी ओके लग रहा है, तो कोई बात नहीं, एक बार सप्लाई देके देखूंगा क्या रिजल्ट आता है, ये ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। और ये जो स्विच है, स्विच पहले से ही खराब है, तो इसलिए इसके अंदर जम्पर है, ठीक है। ये स्विच कंडीशन, ये दोनों साइड जम्पर है। तो चलिए मैं इसी तरह प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए आपको सीरीज लाइन से टेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैं टीवी का कॉर्ड यहाँ पर लगाया और ये सीरीज लाइन है। चलिए मैं सप्लाई देके देखता हूँ और आप पीसीबी पर फॉलो कीजिए क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया, कुछ भी फायरिंग नहीं हो रहा है, फ्यूज भी नहीं उड़ रहा है, और टीवी सप्लाई दे दिया और स्क्रीन का अंदर देखिए दोस्तों लाइट आ गया, मतलब टीवी चालू हो गया। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस तरह फायरिंग देखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि ओनली कैप चेंज करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। आपको भी वीडियो के अंदर जो बात है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर को भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट दोस्तों ये पीसीबी का अंदर क्या फॉल्ट हो गया, इसका फ्यूज ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, ये पीसीबी तो रिपेयर हो गया, ठीक है। एक बार ऑडियो वीडियो लगा के एक बार सब कुछ चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो दरारें सिर्फ नजर आ रही थी वो डरा रही है, इसलिए प्रेशर। तो दोस्तों इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके आ गया, मैं इसका ऑडियो वीडियो कनेक्शन देके टेस्ट किया, ठीक है। तो ये सब कुछ ओके चल रहा है, मैं साउंड को म्यूट कर दिया। आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ कि चलिए कि ये जो टीवी है, ठीक है, ये सैमसंग का। तो दोस्तों सैमसंग वीडियोकॉन अकाई, तो अधिकतर वीडियोकॉन अकाई टीवी का अंदर, सैमसंग टीवी का अंदर अधिकतर ईएसटी फायरिंग के बजाय जो मेमोरी आईसी होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑटो पिन वाला मेमोरी आईसी है, ठीक है। ये जो मेमोरी आईसी है, ये देखिए, ये मेमोरी आईसी, तो दोस्तों इसका जो स्टोरेज ये चेंज हो जाता है, इसी का वजह हाइट भी कम हो सकता है, ठीक है। साउंड का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मेमोरी के अंदर जो स्टोर रहता है वो भी चेंज हो जाता है ईएसटी फायरिंग के बजाय। तो दोस्तों बट कुछ भी टीवी का अंदर भी इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी आईसी का अंदर जो डाटा, तो दोस्तों चाइना पीसीबी का अंदर भी हो सकता है ईएसटी फायरिंग के बजाय, ये जो रीसेट सर्किट होता है, ये रीसेट सर्किट का बजाय रीसेट सर्किट इसको रीसेट कर देता है मेमोरी आईसी को, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, जब ईएसटी फायरिंग काम करे तो इसी तरह अलग अलग कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है आप चाइना टीवी का अंदर ज़रूर देखा होगा कि जो उसका हाइटिंग वो कम हो गया, ठीक है, और उसका अंदर जो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर जो सेटिंग है वो भी चेंज हो गया। तो दोस्तों एक्चुअली ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ठीक है, मेरे लिए न्यू टेक्नीशियन को ज़रूर बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, तो आप ये वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और ये चैनल के अंदर आप न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो, ठीक है दोस्तों, लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।